नमस्कार, दिबाउस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सरफराज आलम। देखिए, सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा जो है समरणालय परिसर से 98 दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 25 जो ऐसे दिव्यांग भाई है, बहन है, उस सभी को जो है जो उसके उपकरण है, ट्राईसाइकिल है, उन सभी का वितरण किया गया है। पहले वो तमाम तस्वीरें आप देखिए, जहाँ किस तरह से जिलाधिकारी आनंद शर्मा जो है ट्राईसाइकिल का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद है लोग जो उसको लाभ दिया गया है, उनसे भी बात करेंगे कैसा लग रहा है लोग, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। और ऐसे में क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश पंडित। कौन दिए हैं आपको ये? डीएम साहब दिए हैं, जिला पदाधिकारी डीएम साहब दिए हैं। क्या पहले कैसे चलते थे आप? पहले हाँ तो ठेगुना से चलते थे, बहुत दिक्कत होता था चलने में। कितना साल से चल रहे थे आप ऐसे? तो मैंने 2 साल पहले हमको मिला था, तीसरा साल चल रहा है जो कि हमको मिला। अभी मिला है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ऐसे तो इससे तो बहुत बड़ा लाभदायक प्राप्त होता है, सुखी संपन्न महसूस कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा हेल्प महसूस होता है और इसी से जीवन यापन। चलने अब चलने में तकलीफ नहीं होगी? हाँ, चलने में आसानी होता है, चलने में आसानी। यस हाँ, और सब मेरा नाम दिनेश पंडित। चलिए, और भी कुछ महिला है, दिव्यांग महिला है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या ये बताइए, किसके द्वारा दिया गया? अभी डीएम साहब ने दिए हैं। डीएम साहब ने दिए जी। पहले किस तरह से चलते थे? हाथ पर चलते थे। हाथ पे चलते थे जी। कितना साल से हाथ पे चलते थे? करीब करीब 8 साल से। 8 साल से हाथ पे चलते थे। 8 साल से आपको ये सब व्हीलचेयर नहीं मिला था हमको? अभी जो मिला है तो उसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अपना हाथ पैर के महसूस हो रहा है, किसी के सहारे के महसूस नहीं लेना होगा। जहाँ भी मैं जा सकती हूँ अपने हाथ से, अपने साइकिल से जा सकती हूँ। कौन दिए हैं आपको ये? डीएम साहब ने दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंदु कुमारी। चलिए, डीएम साहब के द्वारा जो है प्रदान किया गया है 98 ऐसे दिव्यांग लोग है जिन्हें चिन्हित किया गया था, और 25 लोगों को आज जो है समरणालय परिसर से दिया गया है। पहले जिलाधिकारी आनंद शर्मा भी क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप सुने। जी, ये हमारा मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के तहत जो है आज हम लोग वितरण किए हैं। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को हम लोग उपकरण प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी आहार्ता है कि उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वार्षिक आय जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए, और मिनिमम जो विकलांगता होनी चाहिए 40% होनी चाहिए। ये 3 आहार्ताएँ पूरी करनी होती है। इसके लिए अन्य जो भी कागजात होते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दृष्टि की फ़ोटो, अन्य जो भी बिंदु हैं, उसके लिए एक स्क्रीनिंग समिति होती है। स्क्रीनिंग समिति इस पे सभी बिंदुओं के ऊपर जांच करती है। जांच करने के बाद 103 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 5 आवेदकों को वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा था, उनको अस्वीकृत किया गया। बाकी 98 आवेदकों को हम लोग ने एक्सेप्ट किया है, जिसमें से 94 को तिपहिया, 1 को ध्वनि जो स्वर्ण यंत्र है, और 3 को व्हीलचेयर, ये हम लोग ने प्रोवाइड किया है, जिसमें से आज 5 लोगों को यहाँ पे दिए, बाकियों को भी हम लोग एक शिविर के माध्यम से आज दे रहे हैं। और लगातार हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सरकार के माध्यम से ज़्यादा सुविधाएँ हम लोग मुहैया करा सकते हैं, और उनकी जो एक्चुअल प्रतिभा है वो बाहर आए, राधा देन जो दिव्यांगजन उनको शारीरिक समस्याएं हैं उनकी वजह से वो हताश बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, बिहार में इतना बड़ा एग्जाम्पल है अरुणिमा सिम्हा जी का, जो हमारी बिहार की बेटी है, एक पैर नहीं होने के बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे। इसलिए सभी दिव्यांगजनों से मेरा दिल से यही आस्था है कि आप इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए, सरकार की जितनी भी योजनाएँ हम लोग पूर्ण रूप से आपको देने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ डीएम साहब जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं? उन्होंने कहा है कि ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही उन सभी को जो है उपकरण जो है वो सौंप दिया जाएगा, ताकि जो परेशानी है उन लोगों की उसे दूर की जाएगी, जो राहत उन लोग महसूस कर सके। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन लगातार उन लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जो है वो लगी हुई है, ताकि जल्द से जल्द ऐसे दिव्यांग लोग हैं उसे जल्द से जल्द जो है उसे उपकरण जो है वो मिल सके।